तो दोस्तों तो दस स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ के बजाय सबसे खतरनाक वाले न्यूज़ में। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि एमएमसी यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी की तरफ से आप लोग को फर्स्ट राउंड आप लोग का एडमिशन के लिए क्या कर दिया गया है, डेट ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। अब आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन भी हो गया होगा, और जिनका एडमिशन नहीं हो पाया उनके लिए क्या है सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने का डेट क्या कर दिया है आप लोग को, रिलीज कर दिया। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन इस बार से लागू कर दिया है। तो चलिए आप लोग को बताता हूँ आप लोगों कब से आप लोग का सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग को साथ ही साथ आप लोग को प्रूफ भी दूंगा और थोड़ा सा कुछ समझाने की भी कोशिश करूँगा कैसे करेंगे आप लोग को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं एमबीबीएस का सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप लोग का डेट क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया था। दोस्तों मैं आप लोग को बताते चले कि मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी कि एमसीसी की ओर से नीट यूजी 2022 के पहले राउंड के एडमिशन कम रिपोर्टिंग प्रक्रिया शुक्रवार को ही समाप्त कर दी गई है, और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बचे हुए सीटों पर यानी कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप लोग का रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट 2 से 7 नवंबर यानी कि 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग और एडमिशन फी करवा सकते हैं। और आप लोगों का जो लिस्ट आएगा वह कब तक आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि छात्र 3 से 8 नवंबर तक चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग दो से सात नवंबर तक आप लोग अपना क्या करेंगे काउंसलिंग कराएंगे और रजिस्ट्रेशन, और 3 तारीख से 8 नवंबर यानी कि 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपने पसंदीदा कॉलेज में। तो और आप लोग को बता दें कि सीट आवंटन की प्रक्रिया 9 से कब तक चलेगा, 10 नवंबर तक आप लोग चलेगा यानी कि 9-10 तक यानी कि 9 तारीख को आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाएगा और उसी दिन से आप लोग का एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। और आप लोग को बताया जा रहा है दोस्तों इसमें कि 11 को जारी होगा आप लोग का एडमिशन लिस्ट यानी कि आवंटन रिजल्ट यानी कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो कब से डाउनलोड होगा, 11 तारीख से आप लोग का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और एडमिशन कम रिपोर्टिंग कब से कब तक करना है आप लोग को, 12 से 18 नवंबर तक आप लोगों का रिपोर्टिंग करना होगा एडमिशन जहाँ पर आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट होगा। जिन उम्मीदवारों को फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ सकते हैं, जिसके बाद उस सीट राउंड को दूसरे राउंड का हिस्सा माना जाएगा। फर्स्ट राउंड में 22,788 उम्मीदवारों के सीट आवंटित हुआ था। तो दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो और यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ, तो फटाफट लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।